हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति गरीवाल, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या आपके भी हाई पोनीटेल बनाते हो तो इस तरीके से नीचे को चली आती है, या फिर परफेक्ट तरीके से हाई पोनीटेल नहीं बन पाती है, या फिर फ्रंट से बहुत ज़्यादा बाल एकदम फ्लैट दिखते हैं, खिंच जाते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉल जैसे खींचने की वजह से फ्रंट से हेयर फॉल होने लगते हैं, तो इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही अच्छे से बन पाएगा। तो पहले आपको हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ हेयर स्टाइल से रिलेटेड। क्या आपको भी हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत होती है, हाई पोनीटेल बनाते हो तो आपके यहाँ से हेयर इतने ज़्यादा खींच जाते हैं कि आपका ये साइड स्कैल्प दिखने लग जाता है, बैक से हेयर स्टाइल हेयर फॉल होने लग जाता है, या फिर पोनी आपकी नीचे को चली जाती है, तो सबका सोल्यूशन इस वीडियो में आ गया है। अगर आपका भी हाई पोनीटेल बनाने में आपको दिक्कत आती है, हाई पोनीटेल अच्छे से नहीं बनता है, या फिर आपका फ्रंट का हेयर बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, तो उसके लिए मैं एक टिप्स लेके आई हूँ। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की टिप्स और हेल्पफुल वीडियोज हेयर स्टाइल से रिलेटेड मिलती रहें। और सेकंड चैनल का नाम है सिलाई कोच प्रीति भाई, वहाँ पर भी जरूर जाइएगा सिलाई से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए, और उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं हेयर स्टाइल। तो अगर आपका भी पोनी इस तरीके से फ्लैट हो जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन लेना है इस तरीके से राउंड में, इस तरीके से राउंड में एक सेक्शन ले लेना है बालों का। ओके, बैक से कुछ इस तरीके का आएगा। तो आपको अच्छे से इसको कॉम कर लेना है। इस तरीके से बनाओगे तो आपका फ्रंट का जो हेयर होता है वो ज़्यादा खींचेगा नहीं, और जिससे कि आपका पोनी जैसे आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा। अगर यहाँ से हेयर ज़्यादा खींचता है तो यहाँ पे हेयर फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्कैल्प दिखता रहता है। तो आप इस तरीके से हाई पोनीटेल बनाने को ट्राई कीजिएगा। तो इस तरीके से आपने बना लिया है सिंपल सी पोनीटेल। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो फ्रंट का हेयर है इसको इस तरीके से लेना है, ओके, फ्रंट का सारा हेयर इस तरीके से ले लेना है। हल्का सा पुल आउट करते हुए, मतलब हल्का सा पफ का लुक देते हुए यहाँ पे एक क्लिप लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा, और आपके फेस को भी, अगर आपका फेस फोरहेड बहुत चौड़ा है, या फिर आपका फेस थोड़ा सा छोटा है, तो आप ये पफ बनाओगे तो आपके फेस को एक फ्रेम मिलेगा, जिससे आपका लुक काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे दो पोनी पिन यूज कर ले रही हूँ। उसके बाद से ये हेयर बचे हुए हेयर्स को इस तरीके से छोड़ दूँगी, फिर बैक से जो हेयर हैं आपके इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करते हुए ऊपर को लेके आऊँगी कॉम करते हुए। मैं फिंगर की हेल्प ले रही हूँ। फिंगर से क्या होता है कि आपके बालों को अच्छा सा वॉल्यूम मिलता है, जैसे कि मैसी सा लुक मिलता है, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखता है। ऊपर तक इस तरीके से लेके आएंगे बालों को, और सारे बालों को एक साथ ले लेंगे। ओके, एक रबड़ बैंड और यूज करेंगे यहाँ पे। और आपका पोनी टेल भी काफ़ी हाई दिखेगा, एंड आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी अलग सा दिखेगा, रहेगा सेम ही लेकिन अलग दिखेगा। तो ये देखिए, मेरा पोनी टेल काफ़ी हाई दिख रहा है, और आपको सिंपल सा एक लेयर ले लेना है और अपने रबड़ बैंड को हाइड कर देना है। और यू पिन से नहीं टिक टैक क्लिप से इसको बैक साइड में यहाँ पे सिक्योर कर लेना है, और ये बन गया ना हमारा बहुत ही आसानी से हाई बन, जिससे कि आपका जो आपका पोनी है वो नीचे को भी नहीं जाएगा, और आपका फ्रंट का भी हेयर नहीं खींचेगा, एंड आपका पोनी भी हाई एकदम दिखेगा।
और बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। तो आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो और काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।